हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब भाई पहले सलाम करते हैं, पहले तुम्हारा हेलो निकलता, बाद में तुम्हारा सलाम निकलता है। तुम मुसलमान नहीं हो हैं? कितनी दफ़ा तुम्हें समझाया है मैंने, बचपन से समझा रहा हूँ, और ये टाइम आ गया। मर्जी है भाई, हमें तो अल्लाह ताला देख रहा है कि ये बंदा सिखा रहा है, अगला बंदा नहीं सीख रहा तो क्या कर सकते हैं। पैनो ब्लॉग में खन आए रे। अच्छा अच्छा जी, तो आज जो है अभी हम लोग इतना समझाया फिर शर्म नहीं है, इस्लाम कर पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, जन्नतुल हलाल वदोज़खुल हराम वमग़फ़िरत। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। मैं गया तो चीर दिया। अब ठीक है, अब मुंडा सही रहे। अच्छा जी, तो बताओ जी आज के ब्लॉग के बारे में। आज के ब्लॉग के बारे में आवाम देख रही है, देखना एंड तक देखिए, उनको खुद ही पता चल जाएगा हर चीज। हम ही बताते रहे हैं। थोड़ा सा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। इंट तो जा कहाँ पे रहे हैं? आवाम को हम ब्लॉग क्यों बनाते हैं अगर हम शुरू में जरा बता देंगे हैं? यार थोड़ा थोड़ा बता दो तो क्या बना रहे हैं आवाम। बुरा नहीं बनाना, मगर पूरा ब्लॉग देखे खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आईना मुझसे पूछी ना शुरू में क्या हम किधर जा रहे हैं। चलो जी, फिर जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे मिलते हैं फिर। ठीक है, फिर वैसे बताओ और बताओ क्या किया सारा दिन? अभी कोई लिफ्ट नहीं, मैंने कहा लो जी आज तो ब्लॉग लग रहा है मिस। यार क्या बताएं यार, आज भी मुझे लगता है लाहौर कलंदर के मैच में आप बिजी। आज लाहौर कलंदर के मैच में बिजी थे और बड़ी ही उसने बिल्कुल ही हमें सैड किया। रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, रे देवा, देवा, देवा। क्या सैड किया? हार गया और क्या चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी, 100 पे हार्ट आउट हो गए भाई। भाई माशाल्लाह, अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे फिर? हम बात ये थी भाई, हम लाहौर कलंदर की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो आज चलो रहने दो आज रहने दो जी, जीत के मैंने कहा जरा थोड़ी सी। आपको पता भाई शुरू से एक प्रोफेशनल प्लेयर रह चुका है। अच्छा, हाँ जी, कहाँ पे खेलते रहे? ये इधर ज़बैदा पार्क। अच्छा जी, तो फिर अब डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच के फिर दिखाते हैं कि कहाँ पे। यार चलो वहाँ पे दिखाओ, वहाँ कुछ लोग होते हैं यार उन्होंने लाहौर नहीं देखा होता, उनको थोड़ा सा लाहौर दिखाओ जरा। बातें चाहते हैं वहाँ, हमारी बातें सुनने के लिए आती है यहाँ पे। सही कह रहा हूँ ना? इज्जत रख लेना भाई, कमेंट्स में बताओ हमारी बातें सुनने के लिए आती हो या खाना देखने के लिए आती हो। ये बता दो ताकि हमें भी पता लगे, ताकि हम ज्यादा बक बक भी ना करें और डायरेक्ट काम की बात करें। अच्छा बता दें, आप हमारी बातें सुनने आते हैं, लाहौर की सड़कें देखने आते हैं, मतलब कि जो हम बीच में चलाते हैं ट्रेवल का थोड़ा सा पार्ट वो देखने आते हैं, या आप लोग खाबा देखने आते हैं कोई जिनमें से जो आग लगाने आते हो? आग तो हम आप लगा देते हो, उन्होंने क्या लगाना है, वो तो बेचारे देखते रहते हैं, मुंडा बह के पागल है। लगाई जा रहा है आग, लगाई जा रहा है। जिस इशारे पे हम लोग आ रहे हैं ना, वहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा वो, अभी हमारे आपको थोड़े से दोस्त भी मिलेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा खाने पीने के बारे में, बातें काफी हो गई हैं, तो रवि साहब बताएं फिर कहाँ जा रहे हैं। इधर ना कुछ टाइम पहले खुला बैतुल शर्मा जो लाहौर के, उन्होंने तो सुना होगा डेफिनेटली, तो हो सकता है जो ऑटो सिटी हो उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, इधर वगैरह सारा कुछ। तो आज हम वो ट्राई करने जा रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया लिटरली कोई अच्छा शॉर्मा नहीं खाया। बट इसके रिव्यूज़ और इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा, तो मेरे मुंह में तो लिटरली पानी आ गया था भाई, जिस तरह की वो प्रेजेंटेशन करते हैं। हाँ जी, बाकी क्या तूने नहीं देखी? नहीं। अच्छा, मतलब सारी मेहनत मैं ही करूँ। अच्छा, हमको सिखा रही है यार, इतनी देर से मैंने ये मोबाइल स्टैंड को पकड़ा हुआ है। सदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो मत मारी आज, वो मुझे बड़ा ना देखने में तो बड़ा बेहतरीन लग रहा था, जिस तरह की पिक्चर्स लगी हुई थी। आपको पता है फिर जाके तो पता चलेगा कि क्या सीन है। उम्मीद करते हैं, सुना है कि बड़ा अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि बड़ा जबरदस्त होगा। अरे तो मैं खा के बताऊंगा ना कि कैसा है। अरे तू कल्ला ही खा रही फिर, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ ड्राइवर। तो चले जी फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, थोड़ा सब्र रखें, तो उसके बाद आपको बताते हैं कि फिर।
क्या लड़कियों के बाल होंगे लड़कियों, मैं थारा दुख समझूं भाया। बड़ी गर्मी लगती है भाई, लड़कियों की मजा है। हाँ जी, अब हम आ गए हैं बैतुल शवरमा DHH ब्लॉक। तो भाई के आपके बाल भी बंद गए हैं। तो मेरे भी बंद गए यार। अब ये है कि हम जा रहे हैं ज़रा ऑर्डर करने। अभी आपको मेन्यू दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या वो ऑर्डर आपको उसमें क्या क्या वो देते हैं ऑप्शंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा जी, तो खाना अब हमारा आ गया बैतुल शवरमा। ओए होए, आग लगने लगी मुझे तो लग रहा है। अच्छा तो ये दिखाओ जरा, खाना शाना हमने खा लिया है, पेट शेट हमारे हो गए हैं फुल। अब हम आपको बताएं थोड़ा सा कि कैसा था यार शवरमा जो था। अच्छा था, तो बहुत आउट क्लास नहीं था कि जिस तरह से हाइप मैंने सुनी हुई है कि बैतुल शवरमा ये बैतुल शवरमा वो, जिस तरह से ये मार्केटिंग करने बड़ी हैवी किस्म की, ठीक है, बट इट वॉज़ गुड, मगर कोई बहुत एक्सीलेंट नहीं था। 7.5 out of 10। बीच में जो मीट था, मीट का टेस्ट वॉज रियली गुड उसका, वो अच्छा था, सॉफ्ट था और लाइट सा जूसी सा भी था, और अंदर जो सॉसेस थी वो कोई बहुत ही तुन के नहीं डाली हुई कि भैया आपकी ये गिर रही है वहाँ से वो गिर रही है, वो सीन नहीं था, बहुत अच्छा था। हाफ आग लगाई है उसने, पूरे पूरी आग नहीं लगी है, ठीक है। ये प्राइस भी थी उसके अंदर, आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा था। चिकन के स्लाइसिस भी मेरे ख्याल से बड़े बेहतरीन, बहुत अच्छा था वो, अच्छा था। और जो इसकी पीटा ब्रेड थी वो नॉर्मल पीटा ब्रेड की तरह, तो वो काफ़ी थिक होती है ना मोटी, क्योंकि ये कोई इनका सऊदी ब्रांड था, तो उस तरह पे जहाँ पे उधर जिस तरह से बनती है, तो वो सीन था कि बिल्कुल मतलब कि पतली सी इनकी ब्रेड सी थी। की बात बताओ यार भाई, इंटरव्यू में आ गया वहाँ भाई, उधर इंटरव्यू हुआ है साहब, मैं कहता हूँ भाई साहब बार बार पूछना चाह रहे थे कि कौन से चैनल पे आएंगे, लेकिन फिर हम निकल आए, फिर हम निकल आए वहाँ से। बहरहाल अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यार, हम जा रहे थे जॉनी एंड जुगनू। अब हम जा रहे हैं जॉनी एंड जुगनू, अभी जे जे का जो लाहौरी बंदे हैं उनको तो जे जे का पता होगा भाई, ठीक है। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ चिलर्स उन्होंने निकालने हैं इस सीजन, तो अब हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। फिर आप चिल होने जा रहे हैं हम लोग, गर्मी बहुत है भाई, चिल होना था बनता है, ये देखो गर्मी के और कितना चिल होगा। तो फिर आपको इंशाल्लाह जॉनी एंड जुगनू मिलते हैं और फिर चिलर्स आपको ट्राई कराते हैं। जी भाई साहब। हाँ जी, आ गया फिर। क्या आ गया फिर? चिलर। अच्छा जी, क्या नाम है? नाम बड़ा मेरे मेरे का नाम बड़ा मजे का यार। क्या नाम था? गुलाबो। गुलाबो, तो जी गुलाबो आ गई है मेरे पास। गुलाबो जरा इतर लगा। ये है कौन सा फ्लेवर? मिंट। ये है मिंट फ्लेवर, और ये है भाईजान मेरा गुलाबो। गुलाबो फ्लेवर, वैसे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हाँ, हम सब ट्राई करते हैं। ये जे जे वालों ने नए निकाले हैं, लास्ट सीजन तक नहीं थे, मुझे लगता है इनको भी इस तरह अभी तो उनके मेन्यू में भी ऐड नहीं था। हाँ, मेन्यू के भी ऐड नहीं था, मुझे लगता है जैसे इनको गर्मी बहुत लग गई है। नॉर्मल है मेरा।
समर के लिए ठीक है, लेकिन वो वाली चस नहीं दे रहा मुझे तुम्हारा। अपना बताओ कौन सा फ्लेवर तुम्हारा? मिंट फ्लेवर है, मिंट और ऑब्वियसली लेमन डाला हुआ है बीच में, तो मिंट और लेमन का मिक्स हो रहा है। बट मेरे ख्याल से इन्होंने ना कोई चीज ना स्वीटनर यूज किया हुआ कोई चीज इन्होंने ना, मिठास थोड़ी सी मिठास भी आ रही है, वो तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि बट ठीक है लेमन की वजह से भी ना थोड़ा सा वो खट्टा मीठा सा है। हाँ नहीं मजा था ये, अगर आप दोपहर को गर्मी में पिए ना ओए होए होए आग लग जानी है। साले चले भी मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन सी आग लगेगी ये पी के? यार ये मेरी आग है ना, ये हमारी आग है, पता नहीं तेरी कौन सी आग है जो चिलर पी के भी नहीं बुझ रही। अच्छा अभी थोड़ा सा मैंने पिया ना तो अब जरा थोड़ी ज्यादा चस दे रहा है, स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से शायद वो अच्छा, लेमन हर, का टेस्ट ज्यादा आ रहा है इनके हर ग्लास के ऊपर लेमन लिखा हुआ है, तो आपने ग्लास में नहीं जाना, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और ये जो है ये मिंट फ्लेवर है। मजा आया। हाँ जी अच्छा जी, तो हमारी रिव्यूज तो हमने दे ही दी ऑलमोस्ट। हाँ तो बाकी एक एंडिंग वीडियो में एक चीज जो है आज एक मैसेज देना चाहते हैं जो कि अभी इस समर के अंदर जरूरी है, इतनी गर्मी के अंदर वो मैसेज ये है कि अपने घरों में अपनी छतों के ऊपर या अपने टेरेस वगैरह के ऊपर जो है वो मिट्टी का बर्तन रखे, उसके अंदर ठंडा पानी रखे जानवरों के लिए और स्वाद कमाए आप भी, और हो सकता है उसी एक इसी एक छोटी नेकी के बदले जो है आपको अल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर दे आपको। तो बाकी सैंडी बातें हो रही है मुझे पता, लेकिन मैसेज बड़ा ज़रूरी है ये। नहीं बिल्कुल ज़रूरी है यार, देखो इतनी गर्मी हमसे नहीं बर्दाश्त होती तो जानवरों का कौन है बेचारों का वसीला, तो उनका हमने ही करना है जो है, इस वजह से आप ख्याल करें उनका भी ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और सेकंड ये कि हमारे आपको चेहरे से पूरे ब्राइट ब्राइट खूबसूरत खूबसूरत टपक रही है, इसके पीछे क्या राज है फिर? ये सामने रिंग लाइट लगी हुई है, पैसे लगाए हैं, पैसा ही पैसा होगा, पैसे लेकर आए हैं हम, स्टैंड लेकर आए हैं, पूरा सेटअप करने लगे हैं, बस अब मैंने ऐसा आपको कहा कि आप स्टूडियो के लिए जगह खरीदे ज्यादा हो गया, वो स्टूडियो भी आएगा अभी, प्रॉपर स्टूडियो आएगा। ये है कि बस इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने प्यार मोहब्बत दिखानी है, अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो आपने सब्सक्राइब करें प्लीज़, और हमें लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कोई गलतियाँ कोई जिस तरह का सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं वो बताएं, और इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाकर लाइक करें, तो फिर इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाएं हम आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फुल। यार लाइक करो बोलो और सब्सक्राइब करो हमें, और आग लगा दो हर तरफ, आग लगा दो शेयर करके, तो ज़्यादा दीजिए फिर अपने भाइयों को, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगा। अल्लाह हाफिज़।